वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू सेलीज़ किचन। सेलीज़ किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगी शरबत गुलाबे खास। ये शरबत बहुत ही ठंडा, कूल और रिफ्रेशिंग होता है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बनाना शुरू करते हैं शरबत गुलाबे खास। बनाने के लिए हमें जो सामग्री चाहिए, चलिए हम एक नज़र डाल लेते हैं। यह है बेसिल सीड, इसे सब सीड भी कहते हैं, और कुछ पुदीने के पत्ते, लेमन सॉल्ट। अगर आपके पास लेमन सॉल्ट नहीं है तो आप ऐसे नॉर्मल सॉल्ट भी डाल सकते हैं, ये रो अफ़ज़ा या रोज सिरप भी आप ले सकते हैं। पानी चाहिए शरबत बनाने के लिए, और ये बिल्कुल ठंडा मिल्क, दूध चाहिए, थोड़ी सी लेमन जूस चाहिए, और कुछ सूखे हुए गुलाब के पत्ते और थोड़े से बर्फ के टुकड़े। तो चलिए अब हम बनाते हैं शरबत गुलाबे खास। बनाने का जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो है रू अफ़ज़ा। तो ये आप जो देख रहे हो, ये होम मेड रू अफ़ज़ा है, ये मैं घर पे बनाई हुई हूँ। और होम मेड रू अफ़ज़ा अच्छा भी होता है और बाज़ार से काफ़ी सस्ता भी होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप घर पे रू अफ़ज़ा बनाते हैं तो इसकी रेसिपी आप ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक करें तो आपकी रू अफ़ज़ा की रेसिपी मिल जाएंगी, और इसके एंड स्क्रीन में भी आपको रू अफ़ज़ा की रेसिपी मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स, आप घर पे भी रू अफ़ज़ा बना लें और इसे आप काफ़ी दिनों तक स्टोर भी करके रख सकते हैं। तो चलिए अब हम शरबत बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये बेसिल की सीड, सब्ज़ की सीड को धोकर मैं इसमें पानी डाल दी हूँ, और इसे अब हम भीगने देंगे करीब 7 से 8 मिनट तक। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं दो तरह का शरबत गुलाबे खास बनाऊंगी, एक नॉर्मल पानी से ठंडा और दूसरा ठंडे दूध से, मिल्क से। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं शरबत गुलाबे खास। आप ग्लास ले लें और इसमें आप कुछ बर्फ के पीसेस डाल दें, और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सी सॉल्ट, थोड़ी सी। अगर आपके पास सी सॉल्ट नहीं है फ्रेंड्स, तो आप नॉर्मल सॉल्ट जो है आप उसे डाल सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे लेमन जूस 2 टीस्पून। लेमन जूस आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। अब आप इसमें डालें ये रू अफ़ज़ा, हम यहाँ डालेंगे 3 टेबल स्पून रू अफ़ज़ा, और अब आप इसमें डालें ये सब्ज़ की सीड, और अब हम इसमें पानी डाल देंगे और इसे आप अच्छी तरह से मिला लें, और आप इसमें एक लेमन के स्लाइस और थोड़ी सी पुदीने से आप इसे गार्निश करें। तो लीजिए, ये हमारा एक ड्रिंक्स गुलाबे खास तैयार हो चुका है। आप एक दूसरा ग्लास ले लें और इसमें आप कुछ आइस क्यूब्स डाल दें, और आप इसमें डालें रू अफ़ज़ा। यहाँ पर मैं 4 टेबल स्पून रू अफ़ज़ा डाल रही हूँ। रू अफ़ज़ा आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। अगर आपको ज़्यादा मीठा चाहिए तो आप ज़्यादा रू अफ़ज़ा डालें, अगर आपको कम मीठा चाहिए तो आप कम डालें। और अब हम इसमें डालेंगे ये सब्ज़ की सीड 2 टेबल स्पून, और अब हम इसमें बिल्कुल ठंडा चिल्ड मिल्क डाल देंगे। अब इसे आप अच्छी तरह से मिला लें। तो लीजिए, आपका गुलाबे खास शरबत बिल्कुल तैयार है। और अब आप इसके ऊपर ये थोड़ी सी ड्राई पेटल्स जो है गुलाब की, वो डाल दें। अगर आपके पास है तो आप डालें, और अगर आपके पास ना हो तो आप ना डालें। तो लीजिए फ्रेंड्स, शरबत गुलाबे खास ठंडा ठंडा, कूल कूल, रिफ्रेशिंग सा बिल्कुल आपके लिए तैयार है। आप इसे एंजॉय करें और आप इसे अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें, और आप हमें ज़रूर कमेंट करें कि आपको ये कैसा लगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग सेलीज़ किचन। प्लीज़ कीप वॉचिंग सेलीज़ किचन, और अगर आपको सेलीज़ किचन की रेसिपीज अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और हाँ, आप बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर रेसिपी मिल सके। तो फिर मिलेंगे फ्रेंड्स एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।